वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी हो रहा है 7 o'clock इवनिंग का, और आज मैं सुबह से ब्लॉग नहीं बना पाई, बहुत ज़्यादा आज काम था छोटा मोटा, मैं स्कूल जाना था बेसिकली। तो मैं सोचा क्या ही ब्लॉग बनाऊँ, ड्रेस वगैरह लेने थे और बुक्स वगैरह इशू कराने थे नए क्लासेस के, तो वो हम गए थे लेने के लिए, ले होके आए और पूरा दिन उधर ही निकल गया। उसको लंच वगैरह किया, उसके बाद थोड़ी देर रेस्ट किया, पता नहीं इतना क्यों ब्राइटनेस बढ़ जा रहा है सॉरी। सो अभी हम जा रहे थे चाय बनाने, शाम के टाइम में थोड़ा सा लेट हो गया, ऐसे हम 6 बजे तक 5 बजे तक चाय पी लेते हैं। और मेरा बेड मैसी हुआ क्योंकि ये सब खरीद के हम लेके आए हैं, हैंडबैग वगैरह भी यहीं पर पड़ा हुआ है। तो अभी घर भी मैंने ठीक नहीं किया, पूरा दिन टाइम नहीं मिला, वही ये सब छोटा मोटा काम करते करते। तो अभी जा रहे हैं चाय बनाने वगैरह भी दिखा रहे हैं, हस्बैंड क्या कर रहे हैं और बच्चा क्या कर रहा है। बच्चा What are you doing? I'm doing my football. He fell down on the football. Huh? He fell down on the football. Who is fell down? Oh. हीरो बनने के चक्कर में बॉल गया नीचे, अब जाओ लेके आओ, देखो वहां चल गया बॉल। बच्चे बने हुए फुटबॉलर, अब आपको दिखाते हैं, पापा को इनके। हेलो क्या ये सुहाना सफर नहीं वेदर और ये जियो सिनेमा एंड आईपीएल। यस, दिस इज माई न्यू परचेज। इसके ऊपर मैंने कपूर डाला है बट लग नहीं रहा है, गर्म हो रहा है, सेरामिक है, गर्म तो हुआ है बट इस पर कपूर पे इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं पता नहीं। आज ही मैं खरीद के लेके आई, 250 का दिया, फ्ली मार्केट लगा हुआ था मॉल के पास, वो बड़ा प्यारा सा लगा मुझे। एक मुझे जो पसंद आया था जो स्टील था जो जल्दी गर्म हो जाता है वो 450 का था, मैंने बोला नहीं मैं ले लूँगी। और इसी के साथ मेरा यहाँ है लैम्प भी, बट एक ही चीज़ जल सकता है, या तो ये जलेगा या तो लैम्प जलेगा। चल रहा है आईपीएल, क्योंकि आज तो मैं टोक भी नहीं सकता, मुंबई का मैच मेरा कत्ल हो जाएगा बोलूँगी तो। और हम जा रहे हैं चाय बनाने, बहुत मन कर रहा है चाय पीने का, और नहीं थी तो किचन में मेरा बहुत ज़्यादा मैसी हुआ है। बोली रही हूँ उठी, ब्रेकफास्ट की, हॉस्टल चले गए क्रिकेट खेलने, और हम थोड़ी देर उठे बस छोटा मोटा जो काम था वो किए, उसके बाद हम चले गए स्कूल। ज़्यादा टाइम नहीं लगा स्कूल में आज, बहुत ही नहीं थी तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, बट हम लोग मॉल चले गए, फ्ली मार्केट लगा था तो इसलिए। अभी मैं किचन भी थोड़ा सेट कर लूँ फिर आप सब। Yes. Look, two more. डाल दिया। Oh my god, one green. Two more बोल रहा है। एक green डाला है। इसमें two है। One two. Okay, two है। ये चाय है पापा का, वो ग्रीन वो ऑरेंज है क्या? यस, चले पापा को दे दे। हाँ, स्विंग पे। कौन? स्विंग पे पापा, इधर पे, इधर पे। दे के आऊं? हाँ ठीक है। टेक योर चाय, कितना अंधारा हो गया अचानक। कितना टीवी देखेंगे, सुबह से टीवी देख रहे हैं आप? टीवी देखा चीकू, सुबह से टीवी देख रहे हो? नहीं, टीवी देखा। मैंने देखा था, मैं जब तक स्लीप कर रही थी तुम टीवी देख रहे थे। ये लो गया। अरे वाह,
wow. I want to kiss you. फुटबॉल खेल गए थे, खेल के तो हाथ पैर धोए, पैर हाथ धोए नहीं देखो टर्टल। हाँ हम तो देख रहे हैं, जाओ पैर हाथ फेस वॉश करके जाओ फास्ट। नहीं नहीं तो ठीक है, टीवी नहीं लगेगा, जाओ बैक जाओ, पहले हाथ पैर धो फेस वॉश करो फिर टीवी आ जाओ। बाल में गर्मी हो रहा है ना, इसमें इसमें पसीना हो रहा है, जाओ हेयर वॉश को भी कर लेना पानी से। बाय बाय। कहाँ पे, कहाँ पे है? पापा के रूम में टॉवल। क्या देखोगे? चिकू रिमोट काम नहीं कर रहा है, खराब हो गया रिमोट, काम नहीं कर रहा है, टूट गया। हम दूसरा देंगे क्या? देखना देखना टूट गया। ओह नो बैटरी, नो बैटरी, बैटरी कहाँ गई? ठीक है कर दो। कहाँ से कर दो, बैटरी नहीं है। तुमने निकाला बैटरी? पापा से पूछ के बैटरी कहाँ। दिस इज माय टी। अब सोच रहा हूँ क्या है, ऊपर थोड़ी सी मलाई थी, मैंने सोचा इधर उधर फेंकने से अच्छा अपने चाय के अंदर ही डालो, मुझे अच्छी लगती है। सो अब पी का प्लान ये है, 7:30 हो गया और ब्लॉग बनाते बनाते 7 o'clock से मैंने बनाना स्टार्ट किया था। और मैंने सोचा कि दिखाती हूँ, उधर मैच चल रहा है, मार्केट जाने के लिए तैयार नहीं होगा, हस्बैंड से तो पूछ भी नहीं सकती क्योंकि आज मुंबई का मैच है, तो कहीं टस से मस्त होंगे, तो अपना कोना पकड़ लिए हैं, ये अपना कोना पकड़ लिए बच्चे, हम तो जाते हैं, कुछ कुछ घर का सामान ख़त्म हुआ है, टमाटर वगैरह वेजिटेबल्स वगैरह, तो वो लेके आती हूँ और फिर कुछ बनाते हैं। सुबह से खाना नहीं प्रॉपर बनाया, मैं सुबह क्या बना था, इसीलिए मैं शूट नहीं की थी, सुबह बना था बेसन का चीला, उसके बाद पराठे आई थिंक बने थे, तो मैं सोच दाल चावल और भिंडी उंडी लेके आऊँगी, भुजिया बनाऊँगी बहुत सिंपल, और सैलेड वगैरह कट कर देंगे, चटनी बना देंगे ज़्यादा होगा तो ये हो जाएगा हमारा संडे का डिनर, तो मैं सोचा इसीलिए आपके साथ शेयर करते हैं सिंपल देसी खाना। ग्रॉसरी शॉपिंग करने उसके लिए दो चीज़ जरूरत है, वॉलेट और चूल्हा। चलिए आती हूँ लेके। बस ना आई एम गोइंग फॉर वेजिटेबल शॉपिंग। बाय बाय। तुम तो टीवी देखोगे? ऑफ कोर्स देखो। और क्या हाल चाल? बस बढ़िया। मंथली फर्स्ट वीक है ना, बहुत अभी तक टीवी देख रहे हो? व्हाट हैपेंड? ओली पॉपली, क्या हो गया? पापा ने डांटा क्या? क्या हो गया? किसने काटा? Why are you sad? Oh my God, मेरा बेचा कुछ हो गया ये। Oh, it's okay. क्या ब्रेड नहीं खाते? नाइट डिनर टाइम हो गया ना, ब्रेड नहीं लेके आई? ठीक है तो राइस एंड दाल एंड कुकुम्बर नहीं खाओगे? खाओगे तो जा रही हूँ बनाने। तो बहुत एक्साइटेड हो गए कि सब्जी लेके आऊँगी, कुछ खास लेके नहीं आऊँगी।
कुछ सब्जी ही नहीं बैंगलोर में मिलता है। 12 मंथ्स आपको 4-5 गिन की सब्जियाँ मिलेंगी, भिंडी गोभी पत्ता गोभी शिमला मिर्च और भिंडी कभी कभी बीन्स, हाँ 5-6 गिन के मिलेगी। उसमें आपको 12 महीने निकालने हैं और जो सब्जियाँ मिलती हैं और जो एक्स्ट्रा होती हैं बम्बू स्टिक्स वगैरह पता नहीं क्या क्या, वो मेरी पल्ले पड़ती नहीं है, ऐसा लगता है जंगली वेजिटेबल्स है, ना मुझे उनको बनाने आता है और ना ही खाने में कोई इंटरेस्ट है। सो सब्जी के नाम पे सूखी सूखी सी यही सब्जी लेके आए हैं, जैसे क्या धनिया पत्ता खीरा जिंजर और करेला, जो कि मुझे पसंद नहीं बट फिर भी लिया मैंने। और ये लिया पालक और मेथी, कल का तो ब्रेकफास्ट हो गया मेथी पराठा और पालक की दाल लंच में। टमाटर ख़त्म हो गया था तो ये मैंने टमाटर ले लिया, बस यही सब्जी लेके आई हूँ। समझ ही नहीं आ रहा है क्या लूँ, सारी सूखी सूखी सब्जियाँ थी। मेनली मैं गई थी भिंडी के लिए, हस्बैंड को भिंडी बहुत पसंद है, वो भी फ्रेश नहीं मिली, ऐसा लग रहा है सूखा पड़ा हुआ है मार्केट में। सो और क्या लेने में गई थी, ब्लैक सॉल्ट और ये ना किसी के बहुत अच्छा पैकेट है, क्या है सबीना डिश वॉशर पाउडर, और ये इतना अच्छा है ना आपके कितने भी चिटचिटापन, ये लोकल मार्केट का ही है, यहीं पे लोकल मिलता है, कितने का मिलता है 30 रुपये का मिलता है, लेकिन ये इतना अच्छा है ना अगर चिटचिट बर्तन के शाइन नहीं कर रहा है बहुत दिन से, आप थोड़ा सा इसको पाउडर फॉर्म में होता है कटोरी में लीजिए और स्पॉन्ज में लगा के या फिर जो जिससे आप ब्रश यूज़ करते हैं उसमें लगा के साफ़ कीजिए, क्या शाइन आ जाता है, लिटरली शाइन आ जाता है बर्तन में, बहुत अच्छे। तो मैं कभी कभी ये यूज़ करती हूँ तो इसे ना थोड़ा सा चिटचिटापन बहुत दिन से नहीं होता, पीला पड़ने लगता है कोई भी बर्तन, तो मेरे अभी कुछ कुछ दिख रहा था मैं, तो मैं ये लेके आई, अगर आपके यहाँ मिलता होगा तो आप ले सकते हैं, सस्ता भी है और बहुत दिन जाता भी है। और क्या लेके आई हूँ, बस स्पॉन्ज वगैरह लेके आई हूँ, दैट्स इट, यही थी शॉपिंग हमारी। अब जाते हैं खाना बनाने क्योंकि चिकू को लगी है भूख और ये पूरा दिन सोया नहीं है तो सोने से नहीं जैसा हुआ है। दाल चावल फुला के रख देंगे और दाल चावल बनाएंगे, तो थोड़ी देर 5 मिनट में फुला के रख देती हूँ दाल चावल, तो अच्छा रहता है फुला हुआ दाल चावल रहता है ना, तो जल्दी बन जाता है। मैं गलती की फुला के मुझे जाना चाहिए था, पर अभी तो मेरा हो गया रहता, फूल गया रहता अभी तक, बट इट्स ओके, अभी 5 मिनट के लिए फुला के छोड़ देती हूँ, जल्दी से मुझे बनाना होगा क्योंकि चिकू अब सोने सोने जैसा हो गए, उनको जल्दी से खिला के फुलाना है। ये हमारा दाल फूल गया और इसमें थोड़ा सा चावल फुला देंगे, तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम अभी करेला कट करेंगे, दिख रही होंगे भी, सो इनको भी छीलते हैं और जल्दी जल्दी से खाना बनाते हैं। इसको क्या है ना थोड़ा सा इसका कड़वापन काटने के लिए, वैसे भी तो बच्चा तो खाएगा नहीं है, मुझे खुद नहीं पसंद है बट जब से बनाने लगी हूँ खा लेती हूँ, तो इसको थोड़ा सा कट करके हल्दी नमक और पानी में डाल देने से इसका कड़वापन थोड़ा सा कम हो जाता है, तो उतना कड़वा बिटर सा टेस्ट नहीं आता, तो इसको वही करेंगे, कट करके पील ऊपर से पील कर देंगे, छील दिया इसको मैंने और इसका अपर लेयर, और इसको पानी में डाल के हल्दी नमक डाल देंगे तो इसका थोड़ा सा कड़वापन कम हो जाएगा। ये है करेला आलू और बराबरी का प्याज, मतलब 3 प्याज मैंने काटा है इसमें बारीक बारीक, और इसको मैंने हल्दी और नमक के पानी में भिगो दिया है, ये हो गया। अब इसको ड्राई कर लेंगे, ये फेंक देंगे पानी, ये पानी को यूज़ नहीं करना है, इसको धो देना वॉश कर देना 2-3 पानी से, उसके बाद बनाते हैं। यहाँ हमारी होगी दाल, thank you।
कौन देख रहा है, ऑयल कौन देख रहा है, टीका कौन देख रहा है। अब तो सोने का टाइम आ गया। गिरोगे गिरोगे नीचे गिरो। पार्टी करना है ना, ये वाला पार्टी। गिर गए, जाओ कौन करो। किसने टेक अबाथ करा? अपने से। कैसे किया टेक अबाथ? हम तो नहा लिए। कैसे झूठा, मैंने नहा लिया। तुमने नहीं नहाया। कैसे टेक अबाथ किया? ऐसे करके। कैसे रब किया? ऐसे रब के दिया था। टच मत करना उसको, ऑन करते हैं ना, ऐसे ऑन कर देते हैं। तुमने बंद किया था? तुमने बंद किया? हमने नहीं बंद किया, वो किसके लिए? ये रूम के लिए। ऑन करना था इस पे। हाँ ऑन करना था, डोंट टच इट, फायर आ जाएगा। okay. ये कौन सा कोम है बेटा? ये कौन सा कोम है? ब्राउन कोम है। ठीक है कर, हो गया स्टाइलो। स्टाइलो अभी नहीं हुआ, इधर कर दो। आ जाओ। I want coconut oil. You want coconut oil? नहीं अभी गर्मी है ना, कोकोनट ऑयल नहीं लगाते। टीका? टीका कहाँ है? तुमको रात में टीका कौन देखेगा? क्या? थोड़ा सा तोड़ दिया। किसने तोड़ा? पापा। हाँ ना, तुमने नहीं तोड़ा? हमने नहीं तोड़ा। हो गया टीका। अभी नहीं हुआ। नहीं खराब हो जाएगा, हो गया। अभी नहीं हुआ। नहीं हुआ? अभी नहीं हुआ। हेयर हटाओ, हेयर हटाओ। देखो यहाँ कर दिया था, हो गया ना? देख यहाँ मेरा भाई है यार मेरा, इसके बाद है। अरे मुझे छोड़ो ना, जाओ पापा को देखो। अरे बाप रे, पूछ दे रहे हो ता? इसमें साइज है। लो तुम्हारा खाना। स्पून अपने से नहीं खाओगे, मम्मा खिलाएगी अपने से। तुम चार घंटे में खाओगे। बटर चाहिए आपको? कहाँ है बटर? केयरफुल केयरफुल, मम्मा करेगी। कुकुम्बर बैठो, कुकुम्बर खाएंगे, राइस भी खाएंगे। क्या हो गया? It's so very so hot. But don't fill your rice. How's the taste? What is that, Chiku? It's a turkey. What is that, Chiku? Rice. And this one? Yeah. And? It's mashed potatoes. Huh? Onion. Mashed potatoes. Mashed potatoes and fries. The fries. And this one? Onion is very so spicy. No, it's not a spicy. No, it's spicy. क्या अच्छा लगा सबसे ज़्यादा बताओ तुमने? थोड़ा सा उसमें ना भुजिया में आलू दीजिएगा ना, ये खाया ही नहीं पूरा करेला तो छुएगा नहीं। मुँह ऐसे से बनाने लगा। गुड बिटर गार्ड इज गुड फॉर हेल्थ, खाते देखो दैट इज बिटर गार्ड। ये ईट करो, हाँ खाओ इसको, खाओ।
No, it's a very सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी नाइट टाइम रूटीन सिंपल वाली। तो कैसी लगी आपको? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सिंपल सा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुश रहिए और सबको खुश रखिए। लव यू। क्या मांगा आपसे? बोला टमाटो बना रही थे आप, दूध और आलू का भुजिया। क्या खाना तुम ऐसे ही छोड़ दो।